आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। 2000 की जो नोटों को बदलने का फैसला सुनाया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, उसकी तारीख आज से शुरू हो गई और तमाम बैंकों में लंबी लंबी जो है कतारें लगी हुई हैं। तमाम बैंकों में लंबी लंबी कतारें लगी हैं 2000 की जो ये नोट है इसको बदलने के लिए, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फैसला किया है कि 2000 की जो भी नोटें बाजार में हैं उसे वापस ले लिया जाए। हम आपको एक आंकड़े बता दें कि करीब करीब 54,000 करोड़ रुपया सिर्फ बिहार में 2000 की नोटों का प्रचलन में दिया गया था 2016 में। इससे वो पैसे हैं कहाँ, 2000 की नोटें हैं कहाँ, ये समझ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही नहीं आ रहा है। अश्विनी चौबे केंद्र सरकार के मंत्री अभी कुछ देर पहले पटना पहुंचे हैं और उन्होंने कहा है कि 2000 की नोटों को वापस लेने से जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं उनको पेट में दर्द हो रहा है और जो बड़े बड़े नेताओं ने बंडल के बंडल छुपा के रखे हैं अपने घरों में उनके भी पेट में दर्द हो रहा है और ये फैसला जो है गरीब लोगों को देखते हुए लिया गया है। अश्विनी चौबे को सुना देते हैं। ये 2000 का नोट जो है जन साधारण के लिए बहुत ही आवश्यक था और आप जानते हैं कि 2000 का नोट 2018 से ही छपना बंद हो गया है, तो ये नोट का जो वापसी है, नोट का जो बंदी नहीं बल्कि नोट का मतलब उसको आपको वक्त दिया गया है कि आप अपना ये नोट हटा लीजिए, तो अच्छी बात है। ये रिजर्व बैंक की पॉलिसी होती है कब किसको छापना कब किसको रखना, तो रिजर्व बैंक का जो नीति है उस नीति के तहत ये हुआ है। आदरणीय निश्चित रूप से इससे जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनको छटपटाहट है। अब जो भ्रष्टाचारी है उनको लगता है कि भाई ये माल हमने रखा था, अब ये माल कैसे जाएगा, अब बैंक में जमा करने के लिए बोला गया है, तो भ्रष्टाचारियों को एक ठो नोट रहे तो रहे, यहाँ बंडल का बंडल है और आप जानते हैं कई दल और कई वंशवाद और परिवारवाद इसमें फंसे हुए हैं, तो उनको तो दर्द होना स्वाभाविक है, तो ये दर्द हो रहा है। लेकिन ये दर्द आम जनता का दर्द उनको नहीं दिखाई पड़ता है, आम जनता कहीं 2000 का नोट रखता है बताइए, तो ये आम जनता के लिए फायदेमंद है और जो ब्लैकमेल करने वाले लोग हैं जो ब्लैक कैर हैं उनको निश्चित रूप से उनको कसने का, भ्रष्टाचारियों को कसने की बात हो रही है। तो आपने सुना, ये थे अश्विनी चौबे जिन्होंने कहा कि बड़े बड़े नेताओं को और जो पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं जिन्होंने बंडल के बंडल 2000 की नोटों को अपने घरों में छुपा रखा है अब उनकी पोल तो निश्चित तौर पर खुल ही जाएगी, लेकिन देखना यह भी होगा कि भाजपा ने अपने घर में कितना रुपया छुपा के रखा है, इस पर भी सारी मीडिया की नजर रहेगी। लेकिन आप बने रहिए संवाददाता बिहार के साथ।